दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेवशा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्रों को भी जानकारी हो सके। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये मामा के हत्यारे भांजे रामेंद्र निवासी कलनापुर भवानी की तस्वीर है, जो कि शुक्रवार को आज रेवशा पुलिस ने भारी सफलता हासिल करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। वहीं पर इस बाबत जब बात की गई थाना प्रभारी ओपी तिवारी से तो उन्होंने बताया कि गत दिनों 19 अप्रैल 2022 को रामेंद्र कलनापुर निवासी पुत्र राममूर्ति उर्फ डगरू ने अपने मामा शिवम जमौली निवासी को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पर यह भी बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा कबूल किया है पकड़े गए भांजे के द्वारा कि ये मृतक शिवम की पत्नी आरती से प्रेम प्रसंग था। पहले से रामेंद्र का आना जाना था। आरती की का पति इसके पहले भी एक बिजली करंट से ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद ये शिवम जमौली के साथ रहने लगी और वहीं पर इसका पहले से आना जाना था रामेंद्र का कलनापुर भवानी का, और पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर रहा था अपने साथ रहने के लिए, लेकिन आरती रहने को तैयार नहीं थी, कई बच्चे उसके थे और इसी वजह से रास्ते से हटा दिया शिवम को कि शायद हटने के बाद ये हमारे साथ रहने लगे। आखिरकार घटना स्थल से घटना को अंजाम देकर रामेंद्र फरार हो गया था, जिसके लिए टीम गठित की गई थी, लगी हुई थी पकड़ने के लिए, और शुक्रवार को इसको पकड़कर जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं 304 की धारा में